पालू को बहुत ही तेजी से बढ़ाने के दादी माँ के रामबाण ब्यूटी टिप्स। लंबे बाल न केवल सुंदरता का प्रतीक होते हैं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक होते हैं। तो आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो एक बार ये टिप्स अपना कर देखें। नंबर एक है, दही में 2 नींबू निचोड़कर पेस्ट बना लें। इसे बालों की जड़ों पर लगाएं और 15 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद में हल्के गुनगुने पानी से बालों को धो लें। ध्यान रखें, गर्म पानी से बालों को नहीं धोना चाहिए। नंबर दो, इसके लिए एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच नारियल का तेल लें। इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे करीब 1 घंटे के लिए बालों में लगाकर छोड़ दें। उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें। सप्ताह में ये काम आपको 2 से 3 बार करना है। इससे आपके बाल जल्दी लंबे और घने होंगे और बाल झड़ेंगे भी नहीं। बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। आप जब भी बालों की मसाज करें तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप तेल या कुछ भी लगाएं तो आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, अपनी बिल्कुल उंगलियों से, बिल्कुल हल्की हल्की उंगलियों से मालिश करें, वरना बाल इससे भी ज़्यादा झड़ते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो रोज़मेरी ऑयल अपने बालों पर लगाएं। हल्के हल्के हाथों से बालों की जड़ों पर मसाज करें। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, नए बाल उगेंगे और बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो एक बार रोज़मेरी ऑयल आप एक बार लगा के देखें। 4, अगर आपको लग रहा है कि बालों की ग्रोथ रुक गई है तो जल्दी इस घरेलू नुस्खे को ट्राई करें। इससे आपके बाल बढ़ाने के 2 आसान उपाय हैं, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कटोरी में एलोवेरा जेल और प्याज को मिक्स कर लें, फिर इसे अपने बालों पर लगाएं। अब शैम्पू लगाकर अपने बालों को साफ कर लें। इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर स्कैल्प पर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। एक बार आप ये करके देखें। 5, ऑलिव ऑयल बालों के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसके इस्तेमाल से बाल जल्दी से बड़े होने लग जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह आसानी से घरों में मौजूद होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 कटोरी में अपना जो शैम्पू यूज़ लेते हैं वो शैम्पू निकालना है, फिर इसमें ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लेना है। अब इसे शैम्पू के साथ बालों में लगा लेना है। इससे आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएगा, साथ ही मजबूत भी हो जाएंगे। इसलिए ये काम भी आप करके देखें। जो हमने आपको टिप्स बताए ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।